तू कितनी एक्सरसाइज करवाता है मेरी? तू पुलिस में, तो इसमें मेरी क्या गलती? ये रेप का केस तो नहीं हो सकता। लाश पे बाजरा, कहानी कुछ समझ से बाहर। लाश बाजरा कहना क्या चाह रहा तू? तो ये बात तो समझ में आने वाली बात है कि उस लड़की के चेहरे पे आड़ लिखा हुआ था, लेकिन क्या मकसद हो सकता है समझ से बाहर। अबे छोड़ इन बातों को, तू मोबाइल लेगा अपना। हाँ उज़ैफ़ा, कहाँ पर है? हाँ यार, तुझसे एक काम यार, तेरी छत पे वो पिंजरे और परिंदे मुझे देखने थे। ठीक है, जब टाइम निकलता है तो मैं तेरे पास आता हूँ। यार दो कतल हो गए यार, वही बाजरा वाला सीन। चलो जब भी मुझे आना होगा तो तुझे कॉल करके बताता हूँ। हाँ बोल सर, वो ये लाश मिली है यहाँ पे, मर्द है औरत? सर मर्द है, और वो बाजरे वाले केस। चल मैं आता हूँ। क्या क्या रहा है ये, समझ नहीं आ रहा। कत्ल के सीक्वेंस के हिसाब से चलना पड़ेगा। पहला कत्ल रनशोर लाइन 4 तारीख, दूसरा कत्ल ईसा नगरी 9 तारीख, तीसरा कत्ल हुआ हिल पार्क। चौथा कत्ल आजम बस्ती 19 तारीख, 4, 9, 14, 19 और 24। हर कत्ल के बाद 5 दिन का गैप, 29, मतलब अगला कत्ल 29 तारीख। क्या बन रहा है ये? REHAAI, रिहाई।
ये किससे रिहाई चाह रहा है? आई मतलब आई आई चंडीगढ़ रोड। तुझे किसने बताया ये सब? पता तो मुझे उस दिन चल गया था जिस दिन मैं तेरे घर की छत पे आया था। एक बात तो बता, इन पिंजरों के मकीन कहाँ गए? खुले हवा में सांस ले। मतलब तूने उन सबको उड़ा दिया? हाँ, अगर तुझे मैं इन परिंदों की तरह कैद कर तो कहीं जाने ना दे, तुझे कैसा लगे? क्यों किया आखिर तूने ये? रिहाई, रिहाई के लिए। साले तुझे किसने कैद किया था? मेरी माँ ने, मेरी माँ ने मुझे मरते दम तक के लिए कैद करके रखा था। ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ। मैं रोज शाम को खिड़की में से उनको देखता था। स्कूल में जब छुट्टी होती थी तो मेरी टीचर मुझे बाहर नहीं जाने देती थी मेरे माँ के कहने पर। वो कोई ना कोई काम देकर मुझे अंदर बैठा कर थी। मेरी माँ के पास एक परिंदा था, एक परिंदा, वो भी पिंजरे में कैद, मैं भी पिंजरे में कैद। मेरी माँ से मैं बहुत डरता था। थोड़ी सी मार पिटने पे भी मैं रोता था। एक दिन उस परिंदे को मैंने आजाद कर दिया। मेरी माँ ने बहुत मारा मुझे, लेकिन मैं नहीं रोया। उस दिन एक अलग सी खुशी थी मेरे चेहरे पर। बल्कि तू ये कह सकता है कि उस दिन मुझे बहुत सुकून मिला। रिहा कर दिया था मैंने उसे। कितने परिंदों को रिहा किया उसके बाद में। तेरे कानून में मैं पागल हूं, मगर उसके कानून में मैं मसीहा, मसीहा हूं मैं। तेरा कानून आज या कल मुझे पागल करार देकर छोड़ देगा, लेकिन रिहाई का ये सफर यहां से फिर शुरू होगा। रिहाई चाहिए तुझे? हाँ, अभी देता हूं तुझे रिहाई।